subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुछ ना चाहूं बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देख जाऊं। सुन ले सनम एक बात कहूं, मेरी आंखों में तेरा ही चेहरा रहे। तुझसे मिला एक गम ही मिला, इस गम के सिवा कुछ ना हासिल मुझे। रहने दो तुमसे ना हुई वफा, साया वे। भाई साहब मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम लोग उनके काबिल नहीं है। बड़े लोगों की सुन से भी खौफ आता है। वो तमाम बड़ी बहनें जो सो कॉल माए बनी फिरती है ना, वो ऐसी होती हैं। क्या बदतमीजी है अंबर, और ये इकरा, इसे यहाँ पे किसने बुलाया? मैंने बुलाया है। इकरा मेरी दोस्त है, इसे यहाँ पर बुलाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तो आखिर वो दिन आ ही क्या जब तुमने शादी के नाम की मेहंदी रचा ली? तुम खुश तो होना शायद। हाँ शुक्र है कि सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। खुदा ना खास्ता कोई लड़का इश्क और मोहब्बत के सबूत लेके आ जाता तो हमारी कितनी बदनामी होती। मैं तो बहुत डर रही थी भाई। आप सलमा किरत कब से इस तरह बैठी हुई है, थक गई होगी। मायरा बेटा जाओ भाभी को उसके कमरे में लेकर जाओ। मेरे ख्याल से भाभी भाई के साथ जाना पसंद करेंगे, है ना? चलो कोई बात नहीं, मैं ले जाती हूँ। मायरा तुम जानती हो ना कि पहला इंप्रेशन हमेशा आखिरी इंप्रेशन होता है। जो इंप्रेशन तुमने अभी अपनी भाभी को दिया क्या ये ठीक था? इतनी बेनियाजी, इतना खिलंडरापन। ये कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई पहला तासुर है। किरत बहुत अच्छी तरह जानती है हमारे तौर तरीकों को। जाहिर है मुलाजमों को अपने मालिकों के अंदाज का तो पता ही होता है। अभी अब हमारे दरमियान मुलाजिम और मालिक का रिश्ता नहीं रहा है, अब किरत हमारे घर की इज्जत है। फारूक आप भी बहुत नरम दिल के मालिक हैं अपने भाई की तरह। वो भी अपने मुलाजमों को बराबरी का दर्जा ही देते थे, लेकिन अगर गलती से कोई मुलाजिम रिश्तेदारी में बदल जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका पास्ट बदल जाएगा। खैर एनीवेज मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। चलो मायरा। बेटा भाभी की बातों का बुरा मत मानो, वो दिल की बुरी नहीं है। कोई चीज चाहिए हो तो बिला झिझक मुझसे कह देना। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो तुम, और हमारा शाहवेज भी किसी शहजादे से कम नहीं है। तकदीर ने तुम्हें बहुत मोहब्बत करने वाला जीवन साथी दिया, उसकी कदर करना। खुश
बच्चों कितनी अच्छी लग रही थी ना आज। हाँ लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। अच्छा हाँ हुसन है ही ऐसी चीज, तारीफ करने पे मजबूर कर देती। आपकी मोहब्बत ने ही मुझे जिंदा कर दिया है। और तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना है। एक कप चाय मिल सकता है? जी पप्पू मैं अभी चेंज करके देती हूँ। ठीक है। मुझे सर झुकाकर और मेरे पीछे हाथ बांधकर चलने वाली नहीं, बल्कि शान से सर उठाकर मेरे हाथ में हाथ डालकर चलने वाले लाइफ पार्टनर की जरूरत है। संजीव खैर आखिरकार तो वक्त आ ही गया। आज मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया जो मैंने हमेशा से देखा था कि तुम मेरी दुल्हन बने मेरे सामने बैठी हो। और एक बात कहूं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और आज मैं ये कसम खा के कह सकता हूं कि जन्नत में कोई हूर भी इतनी हसीन नहीं होगी जितनी तुम आज लग रही हो। सुबिया, आखिर तुम हसाम के दिल से अंबर को निकालने में कामयाब हो ही गई। जी देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हंसते बसते घर में कभी भी कोई मसला हो, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मोबाइल ऑन ना करना, लेकिन शायद तुम मुझे गलत समझती। नहीं पप्पू ऐसी कोई बात नहीं है। खैर जो हसाम के वही करना, मैं भी वैसे तुम्हारे भले के लिए कहती और तुमने मेरी ही शिकायत लगा दी। नहीं पप्पू ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज ऐसा मत सोचें। ठीक है चलो चाय लेके आओ, मैं बाहर जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ तुम अकेले आए हो, फिरत किधर है? फिरत आती होगी बस। हालांकि उसको आपके साथ ही आना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये लो भाई आ गई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बेगम साहब बैठिए। वैसे बहुत लंबी उम्र है आपकी, इधर आपका जिक्र हुआ और उधर आप हाजिर। शाही बेटा किरत कुछ दो। किरत को अपनी मर्जी से खाने दीजिए। लेकिन क्या ख्याल है मामा, अगर मैं आज अपनी मर्जी से किरत को सर्व करूं?
हाँ हाँ भाई, आज तुम अपनी मर्जी कर लो, उसके बाद तो फिर सारी जिंदगी की रत्न ही अपनी मर्जी चलानी है, क्यों? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारे काम खैर खैरियत से निमट गए। बाबा, हम बच्चों के घर नाश्ता लेके जाए? मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है, बड़े लोग हैं वो, हलवा पूरी कहाँ खाते होंगे। बड़े लोगों के घर शादी का मतलब है इस सासे कमतरी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ शायद, लेकिन इस वक्त तो हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि बस हमारी किरत वहां खुश रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बाबा, आप बच्चों से मिलने नहीं जाएंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, हम हो सकता है आज ही अंबर के साथ में वहां जाऊं। बस भी करें, क्या बच्चों के अलावा और कोई बात नहीं कर सकते हम? हाँ कोई और बात भी हो सकती है, चाय की बात हो सकती है, चाय पिला दो। मैं बना के ले आती हूँ। मैं आता हूँ। इतना झिझक क्यों रही? भाई से अपना ही घर समझो। और ये क्या, सिर्फ मेरे लिए अपने लिए चाय नहीं लाई? ये लीजिए, मेरे लिए आ गई। अरे वाह, थैंक यू। चलो अब जल्दी से चाय पी लो, फिर तो मैं बाबा से मिलवाने ले जाता हूँ। यप। ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों मामा? मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को डिनर पे बुलाया है, ये मेरे साथ पार्लर जाएगी। लेकिन मामा मैंने तो। इट्स ओके आंटी, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। जी। कोई बात नहीं शावेज, हम बाबा की तरफ बाद में चले जाएंगे। तुम ठीक हो? अब मैं आंटी की बात सुन लो। ओके आप जाइए। अरे आप रहने दे, मैं कह दूँ ना, लाइन में ले जाती। आपका ख्याल रखना और आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। ओहो, खिदमतें हो रही हैं। वो क्या कहते हैं उसे जो बीवी की गुलामी में आ जाता है? जोरु का गुलाम। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से गुलामी करवानी आती है जूबिया को। मैं उसकी गुलामी नहीं कर रहा, उसका ख्याल रख रहा। चलो तुम कोई और नाम दे दो उसे, बात तो एक ही हुई ना। यू नो व्हाट, ख्याल रखने को गुलामी नहीं कहते। फारूक, आज भाभी कितनी अजीब बातें कर रही थी। हाँ मैं भी महसूस कर रहा हूँ। हाशिम साहब एक अरसे से हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं,
बहुत ही शरीफ और सुलझे हुए लोग हैं। लेकिन भाभी को अपना रवैया बदलना होगा। कौन समझाएगा भाभी को? और पता नहीं वो ऐसा कर क्यों रही है। इंसान गरीब हो या अमीर, हर एक को अपनी इज्जत नफ्स प्यारी होती है। बेचारी किरत, न जाने क्या सोच रही होगी। किरत काफी समझदार लड़की है, मुझे उम्मीद है वो ऐसी बातों को दिल पे नहीं लेगी। आई होप ऐसा ही हो। अच्छा है तो बिलवा दे। अच्छा बनवाती हूँ। सही कह रही हो तुम। भाई तुम जानती हो ना कि मैं लड़की वालों पे ज्यादा बोझ डालना पसंद नहीं करती। फारूक के ऑफिस में जॉब करती थी। अरे नहीं नहीं, अब तो जॉब नहीं कर रही। नहीं लड़की तो खैर प्यारी है, अब बच्चों की बात ना मानो तो वो बुरा मान जाते हैं। बेजोड़ रिश्ते होते हैं। अरे आजकल तुम जानती हो, जब लड़का लड़की एक साथ काम कर रहे होते हैं तो ऐसी सूरत हाल तो फिर सामने आ ही जाती है। अरे हाँ, शाम को डिनर में आना मत भूलना, टाइम से पहुंच जाना। ओके सी यू, अल्लाह हाफिज। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरत, तुमने बुलाया है इन्हें? आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ मैं किरत को पार्लर लेके जा रही हूँ। आप लोग अंदर बैठे। सुरैया, मेहमानों को जरा चाय पिला देना, वैसे हमें आने में देर हो जाएगी। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं। चलो चलो। ईशल बता रही थी कि इकरा बहुत आउटस्पोकन है, बहुत बोलती है वो। और उसने ये भी बताया कि सुबिया की बारात बिना सुबिया को लिए चली गई। अब पता नहीं किरत कब आए, मेरे ख्याल है चलते हैं हम लोग। बच्चों को देखा था आपने, कैसे बदल गई है, एक मिनट नहीं रुकी हमारे लिए। कैसे रुकती बेटा, वो देखो ससुराल को समझने में जरा टाइम लगेगा ना। मुझे अपनी बहुत इंसल्ट महसूस हो रही है, अब मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे। अच्छा चलो चलते हैं। चलो। अरे हाशिम साहब, आप कब आए? बैठिए बैठिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो हाशिम साहब, किसी ने बताया नहीं कि आप आए, किरत ने भी जिक्र नहीं किया। हाँ किरत को भी नहीं पता कि हम लोग आ रहे हैं, बस हमारा दिल चाहा हम बगैर बताए आ गए। बच्चों तो आंटी के साथ ब्यूटी पार्लर चली गई थी, बस जाते जाते मिली थी हमसे। जाते जाते मिली थी, रुकी नहीं वो आपके पास? कैसे रुकती, आंटी माइंड कर जाती तो क्यों बाबा? हाँ नहीं, असल में बेटा पार्लर से टाइम लिया होगा ना, तो लेकिन फिर भी उसे रुकना चाहिए था आपके पास। एनीवेज चाचू आप जाइए, मैं बाबा के साथ बैठता हूँ। नहीं नहीं, आप लोग अपने काम कीजिए, हम तो बस जा ही रहे थे। ये क्या है साहब? बेगम साहब सिर्फ चाय का ही केकर गई थी। इसे ले जाइए और जाइए अच्छी चाय बना कर लाइए, और साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आओ, और सलमा से कहो कि यहाँ आ जाए, मेहमान आए हुए। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सुरैया ने बताया कि आप लोग आए हैं। अरे अंबर तुम क्यों बोर हो रही हो, आओ ना मेरे साथ कमरे में चलते हैं। नहीं बस हम चलेंगे, है ना बाबा? हाँ आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जाओ बेटे इनके साथ कमरे में, चाय वहीं आ जाएगी। देखिए सर, वो आपने कहीं जाना था, आप क्यों मेरी वजह से अपना काम खराब करेंगे, हम तो बस फिर आ जाएंगे सर इंशाल्लाह।
आशिफ साहब मुझे कहीं नहीं जाना है, और फिर मेहमान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और मेहमान आप जैसा। जा बड़े जाओ जी, आओ। वैसे मैं सुनकर हैरान रह गई कि मेरी फ्रेंड ईशल और तुम्हारी फ्रेंड इकरा दोनों फर्स्ट कजन हैं। क्या ईशल बता रही थी कि इकरा बहुत आउटस्पोकन है, बहुत बोलती है वो, और उसने ये भी बताया कि सुबिया की बारात बिना सुबिया को लिए चली गई। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आजकल के जमाने में तो कुछ भी हो सकता है। वैसे क्या तुम उस लड़के को पहचानती हो जिसके साथ जुबिया का स्कैंडल था? नहीं। ये लीजिए भाई साहब चाय। जी नहीं कर रहा मेरा। भाई साहब ये सब कुछ तो होना ही था, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, आपको बगैर इतला के किरत के घर नहीं जाना चाहिए था, उसका ससुराल है। मैं अपनी मोहब्बत में दुनियादारी ही भूल गया था, ये भी भूल गया था कि वो तो बिल्कुल ही पराए हैं, और सिर्फ पराए नहीं, हमसे बहुत ऊंचे। हाँ भाई साहब, वो लोग तो हमें कुछ समझते ही नहीं है। खैर, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं साबिया कि मेरी बेटी खुश रहे, और एक बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अल्लाह करे कि वो खुश ही रहे, हम तो सिर्फ दुआएं ही दे सकते हैं। अल्लाह नजरे बसे बचाए, दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही थी, किरत बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज की दुल्हन वाली बेबाकी भी नहीं थी उसमें, बहुत हयादार और कम गो है। जी अम्मी, मुझे अंदाजा नहीं था भाभी को ऐसी बहू मिली है, वरना कोई और लड़की होती तो वो भाभी के सख्त मिजाज को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन किरत ये सब सह लेगी। मामा वो आज पार्टी में हाशिम साहब नहीं आए? हाँ, एक्चुअली मैंने उनको खुद इनवाइट नहीं किया था, यहाँ आके वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते। तुम जानते हो ना हमारे और उनके स्टेटस में कितना फर्क है। किरत, I'm really sorry. अल्लाह नजरे बसे बचाए, किरत बहुत खूबसूरत लग रही थी, आज की दुल्हन वाली बेबाकी भी नहीं थी उसमें, बहुत हयादार और कम गो है। ओ हो, अरे खत्म हो,
किरात किरात किरात, अब तुम्हारी आदत जाते जाते ही जाएगी ना। अंबर अंबर, अरे क्या हुआ? मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारे कहने से तो कुछ भी नहीं होगा। उस रोज बच्चों ने मेरी कितनी इंसल्ट की थी, तुम सामने ही थी ना, उस वक्त तो तुमने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब वो जा चुकी हैं, और अब इस घर में मेरा राज है, सिर्फ मेरा, क्या समझी? अंबर अंबर, एक ना एक दिन तो बच्चों का तख्ता उलटना ही था। बहुत रूप जमा लिया उन्होंने, बहुत मनमानी कर ली, अब मेरी बारी है। अब तो आओगी ना? खैर सोचूंगी। देखो ना जूबिया और बच्चों के बाद तो मैं अकेली रह गई हूँ, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा? घर काट खाने को दौड़ रहा है। अच्छा बाबा बस कर दो, जो रोना आ जाएगा। लेकिन अच्छी तरह से सोच लेना, फिर ये ना कहना कि मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हो गई है। नहीं कहूंगी बाबा। ओके देखा आपने भाई को कैसे भाभी के आगे पीछे मंडला रहे थे, हमें तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई उन्होंने। कब तक मायरा, आखिर एक दिन ये भूत तो उतर ही जाएगा ना, तुम भी देख लेना। नहीं मामा, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, पता नहीं क्या जादू टोने करती हैं, हस्बैंड को हमेशा अपने पीछे लगा के रखती हैं, और हस्बैंड भी बेवकूफों की तरह उनके पीछे लगे रहते हैं। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं मिडिल क्लास लड़कियों को, हर वक्त अपने मियाँ के आगे पीछे मंडला रही होती हैं, उनकी खिदमतें कर रही होती हैं, जब ही तो मियाँ भी उनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। मैं तो कभी ऐसा ना करूं। तो तुम्हें जरूरत भी क्या ऐसा करने की है? दस दस नौकर तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, तुम्हें किस चीज की कमी है? ये तो वो लड़कियां करती हैं जो इनसिक्योर होती हैं, और तुम्हें तो कोई इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक कह रहे आप। ये क्या कह रहे, तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत जरूरतमंद, फिर ये क्या, छोटी छोटी बात पर आग भर आएगी तो सफर कैसे गुजरेगा? हाँ जब भी कोई तल्ख बात करे ना तुमसे, तो बस एक बात याद रखना, दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो तुम्हारी ढाल है। मैं मामा को टोक नहीं सकता, आखिर माँ है मेरी, लेकिन तुम्हें तो सहारा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू तो पोंछ सकता हूँ। कैसे? हमेशा मुझे अपने साथ महसूस करना, फिर आंखों में आंसू नहीं आएंगे कभी भी। इसी तरह आस्ती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। लेकिन शाफिस ये बात तो सच है ना कि आपकी हमारी क्लास मैच नहीं करती। ये क्लास क्लास कुछ नहीं होते, सिर्फ ताल्लुक होता है, रिश्ते होते हैं और मोहब्बत होती है, ऐसी मोहब्बत जैसे मैं तुमसे बेतहाशा करता हूं और तुम मुझसे शायद थोड़ी थोड़ी, शायद थोड़ी थोड़ी, बहुत नहीं मैं। आप I love you.
ये अपने बाप के घर नहीं जाएगी। लेकिन क्यों मामा? शादी के बाद ये अपने बाप के घर नहीं जाएगी, ये शर्त पहले तय हो चुकी थी। साया वे साया वे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आया था। मैं जानती। क्या आपने कल फोन कॉल पर मेरी सारी बात सुनी? आपने सुन लिया था कि मैं आपकी लाडली बेटी के खिलाफ बोले चले जा रही थी। तुम्हें मेरी लाडली बेटी, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मैं आपकी कितनी लाडली हूं। देखो अंबर, तुम अपने आप को बहुत मुश्किलों में डाल रही हो। अगर इंसान एक मरतबा मनफी सोच का शिकार हो जाए तो फिर सारी उम्र उसे सीधा रास्ता नहीं मिलता। जिसके सारे रास्ते मिट गए हो, जिसको अंधेरे के सिवा और कुछ दिखाई न देता हो, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखो बेट, क्या देख रही हो? मैं सोच रही थी कि आज आप कौन से कलर का सूट पहनेंगे। वही जो तुम्हें पसंद होगा। मुझे एक्चुअली शादी में सोच रही थी कि आज हम दोनों मैचिंग ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा सुनो, मैं अभी ऑफिस जाते हुए तुम्हें बाबा के घर छोड़ दूंगा और वापसी में पिक कर लूंगा, ठीक है? अब क्या सोच रही हो? नहीं, मैं सोच रही थी शाविज आपको मुश्किल होगी। मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी किरण, क्योंकि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जा तैयार हो जाओ। पहले आप तैयार हो जाएं, मैं बाद में हो जाऊंगी। गो गो। अंबर, इकरा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम सुबह ही आ जाओगी। भाई किसी से मिलने जा रहे थे, कहने लगे मैं ड्रॉप कर देता हूँ और वापसी में पिक भी कर लूंगा, इसलिए मैं आ गई। तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ मंगाना है तो बताओ। कुछ नहीं चाहिए, आप जाएं। मैं दरवाजा बंद करके जाऊंगा, वैसे भी तुम दोनों ध्यान रखना। अच्छा बाबा, मैं चाय बनाती हूँ, फिर खूब सारी बातें करें। ठीक है। फारूक अंकल के घर की तो क्या बात है, इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, बच्चों तो राज कर रहे हैं, राज। यार
फिर बाबा के साथ गई थी ना बच्चों के घर। ओह क्या घर है, ख्वाब नगर लगता है, ख्वाब नगर बिल्कुल मेरे बचपन की पढ़ी हुई कहानियों जैसा। तुम तो पहले भी जा चुकी हो ना उनके घर। हाँ तब इतना अंदाजा नहीं हो रहा था, लेकिन अब कमरे की डेकोरेशन, घर की सजावट, सेटिंग सब कुछ तारीफ के काबिल है। अच्छा, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम उसकी इतनी तारीफें कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसका जीना हराम कर देती। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा। क्या क्या समझ नहीं आ रहा? क्या तुम मुझे इसका तरीका बता सकती हो? क्या क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ पिक्स बहुत अच्छी आई है डिनर की, तुमसे जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी मामा, वो हाशिम साहब की तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा ऑफिस जाते हुए किरत को छोड़ दूंगा और शाम को। ये अपने बाप के घर नहीं जाएगी। लेकिन क्यों मामा? शादी के बाद ये अपने बाप के घर नहीं जाएगी, ये शर्त पहले तय हो चुकी थी। क्यों, कब, कहां, इसकी जवाब दे मैं नहीं हूँ। ऐसी शर्तें कौन रखता है, ये तो सरासर गलत बात है। अगर गलत है तो ये आज हमारे दरमियान नहीं होती। आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूँ, तुम्हें ये चाहिए थी सो मिल गई। भाभी कृत इंसान है, उसे इस तरह ट्रीट ना करेंगे। फारूक अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। इसको अगर हमारे दरमियान रहना है तो इसे हमारी शर्तें माननी होंगी। आप किसी से जीने का हक कैसे छीन सकती हैं? शाबिश, आप आंटी से किस बात पर बहस कर रहे हैं? बाबा ने इनकी सारी शर्तें मानी थी, इसलिए आंटी ठीक कह रही हैं। किरत क्या हो गया है तुम्हें, ये क्या बातें कर रही हो? शाबिश आप मेरी फिक्र मत करें, आपको ऑफिस जाना था ना, आप जाए पर प्लीज आपको देर हो रही। देखा आपने कितनी जल्दी भाई ने भाभी की बात पर अमल किया है। ये मिडिल क्लास की लड़कियां ना जाने क्या जादू करती हैं। फारूक देखा आपने, शावेर मुझसे कितने हुज्जत बहाने कर रहा था और इसके एक दफा कहने पे खामोशी से चला गया। ऐसी बात नहीं है भाभी, किरत ने झगड़े से बचने के लिए मसलहत से काम लिया है। किरत जाओ बेटा, तुम जाओ यहां से। नहीं, ये क्यों जाएगी यहां से, अब ये इस घर की फर्द है। अब जो बात भी होगी वो इसके सामने होगी। भाभी जाने दे इसे। भाभी प्लीज। आपसे रिश्ता है।